तो आज हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो कि IIT JEE मेंस 2019 में पूछा गया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में थोड़ा बहुत भी जानकारी है, फ्री बाय डायग्राम बनाना, इक्विलिब्रियम में नेट फोर्सेस को जीरो करना अगर आता है, तो ये जो क्वेश्चन है बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है, अ मास ऑफ 10 kg इज सस्पेंडेड वर्टिकली बाय अ रोप फ्रॉम द रूफ। मतलब कि रूफ से एक ब्लॉक है जिसका मास 10 kg, इसको लटकाया गया इस तरह से वर्टिकली। ठीक। अब कहा गया है, व्हेन हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द मास द रोप डेविएटेड बाय एंगल 45 degree। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाते हैं इधर, है ना, तो फोर्स लगाने से ये जो स्ट्रिंग है वो डेविएट हो जाता है, कुछ इस तरह से 45 डिग्री से डेविएट हो जाता है। यहाँ पर हमने जो फोर्स लगाया होगा हॉरिजॉन्टली, वो इस तरह से लगाया होगा, है ना। अब कह रहा है, इफ़ द सस्पेंडेड मास इज एट इक्विलिब्रियम द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स इज जी इज इक्वल टू 10 m/s² लेना है, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फ्री बाय डायग्राम बनाएंगे, नीचे इसका अपना वेट आएगा 10 g और इधर फोर्स आएगा F, है ना। अब ये एंगल 45 डिग्री है और यहाँ पर इक्विलिब्रियम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका F का और 10 g का जो रिजल्टेंट हो बिल्कुल इसके पैरेलल होना चाहिए, है ना। यहाँ पर टेंशन T है, तो T और इन दोनों के रिजल्टेंट इधर बैलेंस कर रहे होंगे। ठीक। तो इक्विलिब्रियम हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जो T है इसको रिजोल्व कर सकते हैं। अगर ये एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, तो टेंशन का कंपोनेंट इधर आएगा T cos 45 और इधर आएगा T sin 45। ठीक है, तो देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम से T sin 45 इज इक्वल टू F आएगा और वर्टिकल इक्विलिब्रियम से T cos 45 इज इक्वल टू mg यानी कि 10 g आएगा। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो इधर तो आ जाएगा 1, है ना। T sin 45 T cos 45 इक्वल होते हैं, तो ये आ जाएगा F बाई 10 g और F का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 100 newton। ठीक। तो ये देखेंगे ऑप्शन सी जो है वो 100 newton दिया है, तो ये जो है करेक्ट आंसर है।